आज हैंडल नहीं हो रही है लेकिन कल हैंडल हो जाएंगी। अपने जो रुके हुए थे, जो हमको डेड एंड दिख रहा था कि आगे कोई रास्ता नहीं है, उसकी तुलना में हमको ये दिखना शुरू हो जाता है कि आगे रास्ता है और हम उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, है ना। इतना ही होता है ज़िंदगी में, और कोई चीज़ अचानक नहीं हो रही है, सब बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक लर्निंग का प्रोसेस है। एक तो जितनी बातें कल से हमने अभी तक की हैं उसका एक बड़ा मतलब ये निकला, जिंदगी अपने आप में एक लर्निंग का स्कूल है। हम क्या, हमसे कहाँ भूल हो रही है, हमसे कहाँ भूल हो रही है, है? उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हम हर घटना हर क्षण को डायरेक्ट फल के रूप में देख रहे हैं कि वो सुख रूपी फल सामने से आएगा, लेकिन सुख रूपी फल सामने से नहीं आएगा, सामने एक घटना एक परिस्थिति आएगी, मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका नाम सुख है। बात पहुंचे। अभी हमारा जिंदगी को देखने का तरीका ऐसा है कि मेरी इतने की जॉब लग जाए, मेरा ये प्रमोशन हो जाए, मेरा घर ऐसा बन जाए। हमारा सुख, अधिकांश सुख हमारा फिजिकल चीज़ों के साथ है, या सामने वाला मेरा कहा मान ले, मेरे अनुसार चले तो मेरे को ठीक लगता है। जबकि जिंदगी में सुख का स्वरूप ऐसा है ना, सुख का स्वरूप कैसा है, इसका मतलब तो स्वीकृति किसके लिए, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो हो रहा है उसको स्वीकार किया जाए। इसका स्वीकृति बराबर सुख है, इसका मतलब स्वीकृति की निरंतरता बराबर सुख की निरंतरता है, इसका मतलब जो हो रहा है उसको स्वीकार किया जाए। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, हस्बैंड वाइफ में खराब स्थितियां हैं और हमको लगता है कि अब नहीं चलेगा, अच्छा बाय शुभकामनाएं, ऐसा नहीं बोल रहे। तो अब ये समझें कि स्वीकृति हमारी होती किसके लिए है। तो स्वीकृति हमारी व्यवस्था के लिए है कि अव्यवस्था के लिए है? किसके लिए? अव्यवस्था के लिए स्वीकृति भाई। अरे स्वीकृति तो हमारी व्यवस्था के लिए है ना, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। नहीं, थोड़ा दो कदम और चल के देखते हैं। तो स्वीकृति हमारी व्यवस्था के लिए है। जैसे मेरा शरीर व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? मेरा शरीर व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? हेल्दी है। मेरा मन व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? खुश है। तो मैं खुश रहूं इसके लिए स्वीकृति है, मैं स्वस्थ रहूं इसके लिए स्वीकृति है, और मेरा परिवार व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है ना, समाधान और समृद्धि के साथ है, इसके लिए स्वीकृति है। समाज के लिए, समाज व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? समाज भय से मुक्त है, इसके लिए स्वीकृति है। और फाइनली प्रकृति में संतुलन के लिए स्वीकृति है। तो इससे समझ में आया कि शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर का व्यवस्थित होना है, मन का हमेशा खुश रहना, मन का व्यवस्थित होना है, परिवार का हमेशा के लिए शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जीना, ये परिवार का व्यवस्थित होना है, समाज का भय से मुक्त होना, ये समाज का व्यवस्थित होना है, और फाइनली प्रकृति में संतुलन होना, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो इसका मतलब है हमको फैल के ये पता चला कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, बीमार शरीर के लिए स्वीकृति नहीं है। लेकिन शरीर बीमार है और अब ये भी पता चलता है कि ये ठीक नहीं होगा, अब स्वीकृति कैसे होगा? शरीर बीमार है और मेरे को इलाज के प्रति स्वीकृति हो गया है कि अब ये ठीक हो जाएगा, फिर चाहे साल भर लगे, और यदि ठीक नहीं होगा तो फिर और आगे की स्थितियाँ हैं। यदि मेरी और आगे तक की क्लैरिटी बन गई है तब भी मैं उसके साथ खुश रह सकता, वहाँ भी स्थितियाँ हैं। तो फाइनली स्थितियाँ यही हैं कि यदि परिस्थितियाँ मुझको स्वीकार हो पाती हैं
तो मेरे को ठीक लगता है। यदि कोई चीज हो रही है और मुझको स्वीकार नहीं है, ये मुझको बेचैनी पैदा करता है। तो ये भी कहा कि जो कुछ भी घटना है वो किसी नियम से हो रही है, और नियम समझ में आता है तो घटना की स्वीकार्यता बन जाती है ना। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल, कभी मुझको याद आता है, पुराना हमारे एक दोस्त हैं, उनकी एक दिन रात को हम पहुंचे तो पता चला सब रोना गाना कर रहे थे, और उनकी मदर को कैंसर था, और ये था कि डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने का मामला है। तो परिवार में बड़ा दुख था। 4 महीने बाद जब उनकी डेथ हुई तो परिवार में दुख नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 4 महीने में परिवार को ये स्वीकार हो गया कि अब इनका चले ही जाना उचित है, क्योंकि जितना कष्ट वो पा रही हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस दिन 4 महीने पहले रोना गाना बहुत ज्यादा था जबकि वो जिंदा थी, आज वो चली गई हैं, तो घर में कोई रोना गाना नहीं है, सब कोई सुकून में है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि घटना हमको स्वीकार हो गई कि अब यही घटना होना उचित है। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई घटना सुख दुख का कारण नहीं है, घटना के प्रति हमारी स्वीकृति सुख दुख का कारण है। एक समय वो था जब हमारी, मेरी अपनी जिंदगी में जॉब कैसे मिले इसके लिए हम कोशिश करते थे। हमारे समय में ये कंपनियां वंपनियाँ नहीं होती थी, ऑनलाइन बायोडाटा कंपनी में जाके देना होता था, तो कई जगह जाके बायोडाटा दे आते थे, या कुछ एजेंसीज होती थी। एक समय वो था कि जब जॉब कैसे छूटे इस चिंता में 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ। जॉब कैसे छूटे, एक ग्रस्त व्यक्ति बच्चे के साथ, और जॉब कैसे छूटे इस बात की चिंता है। लोग बीवी बच्चे के साथ सोचते हैं कि जॉब कैसे स्टेबल रहे, हम भी सोच रहे हैं कि जॉब कैसे छूटे। इसका मतलब जॉब का मिलना भी सुख नहीं है, जॉब का छूटना भी दुख नहीं है, शादी होना भी सुख नहीं है, ना होना भी सुख नहीं है। तो मेरी स्वीकृतियाँ और अस्वीकृतियाँ ही सुख दुख हैं, और उसके साथ मेरी क्लैरिटी ही सुख दुख है। क्योंकि आज कोई चीज़ सुखद लग सकती है, जिंदगी में 10 साल बाद भी वो सुखद लगेगी कि नहीं लगेगी ये अभी पता नहीं है। तो इन सारी चर्चा से क्या निकल के आया, इस सारी चर्चा से क्या निकल गया है ना? अखबार में न्यूज आती है 200 मर गए, उसके बाद हम आलू का पराठा खा ही लेते हैं, कहूँ हमारे लिए न्यूज है। यूक्रेन में 500 लोग मर गए। इसका मतलब है कोई घटना मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, उस घटना को मैं कैसे स्वीकार करता हूँ कि अस्वीकार करता हूँ वो मेरे सुख दुख का कारण है। और हर घटना किसी नियम से हो रही है, इसलिए हर घटना स्वीकार हो सकती है, इसलिए मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो सकता हूँ। हर घटना किसी नियम से हो रही है, यदि वो नियम समझ में आता है तो घटना स्वीकार हो जाती है। हर घटना के साथ मैं स्टेबल माइंडसेट के साथ, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ बने रह सकता हूँ, इस स्थिति को भी हम पा सकते हैं। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्लैरिटी बनी कि स्वीकृति किसके लिए, तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। इसलिए स्वीकृति किसके लिए है, फाइनली ये कह रहे हैं कि व्यवस्था को समझना अपने आप में सुखदायी काम है। समझ में आता है तो जीना अपने आप में सुखदायी काम है। और फाइनली ये कह रहे हैं कि जीना होता है तो दूसरे को भी समझने में सहयोगी हो ही सकते हैं, इसका नाम सुखदायी है, इसी का नाम समाधान है। इसलिए बोला कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। तो ये सुख दुख का डेरिवेशन हो गया। सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए।
तो इसका मतलब है यदि व्यवस्था, व्यवस्था क्या है, किसी नियम से, और नियम समझ में आता है तो हर घटना हमको स्वीकार, हर घटना की समझ हमारे पास हो सकती है, हर घटना को हैंडल करने की हमारी योग्यता हो सकती है, ऐसा हो सकता है तो हम परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होके अपने में स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो सकते हैं। मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा सुख, मेरी पूंजी है, ये बाहर से प्रभावित ना हो, बाहर पे निर्भर ना हो, है ना, बाहर की मोहताज ना हो, तो मैं सुखी होकर, फिर बाहर से सुख मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला मेरे अनुकूल हुआ तो भी ठीक है, मैं समझ पाता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ। इसलिए यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि भ्रमित मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र है, फल भोगने में भी परतंत्र है। पशु क्या है, पशु क्या है, देखो इवोल्यूशन देखो कैसा है, इवोल्यूशन को देखो, कर्म, कर्म करने पशु कर्म करने में भी परतंत्र है, फल भोगने में भी परतंत्र है। पशु के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो कुछ भी सोचे और कुछ भी कर ले, वो क्या खाएगा उसका आचरण फिक्स है, शेर का आचरण शेर के जैसा है, हजारों साल बाद भी शेर ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। तो पशु कर्म करने में भी परतंत्र है, फल भोगने में भी परतंत्र है, परतंत्र है, परतंत्र है। भ्रमित मानव, भ्रमित मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। हम मानव की कुल फसावट कैसी है, मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, जो चाहे वो कर्म कर सकता हूं, किसी को प्यार करूं, किसी का गला काटूं, दारू पीऊं, समाधि करूं, ध्यान करूं, तपस्या करूं, धंधा करूं, राजनीति करूं, है ना, जो चाहे वो कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मुझको कोई नहीं रोकता। लेकिन फल कैसा आएगा, मेरी चाहना के अनुसार फल आएगा कि कर्म के अनुसार फल आएगा? तो कर्म के मामले में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, फल के अनुसार कर्म आएगा, है ना। जैसे जहर खाना है कि नहीं खाना है मेरी चॉइस है, और एक बार पेट में डाल दिया, अब क्या होगा, नहीं 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 गलती से डल गया, असर मत करना, है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उधर का नियम काम करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो फल कैसा आएगा, कर्म के अनुसार आएगा, अब मेरी चाहना से वो कंट्रोल्ड नहीं है, कर्म के अनुसार आएगा। जागृत मानव जिसको बोल रहे हैं, जागृत मानव जिसको बोल रहे हैं, समझदार मानव जिसको बोल रहे हैं, वो कर्म करने में भी स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है। तो पूरी इवोल्यूशन की जर्नी में इतना काम शेष है, बाकी काम नेचर में पहले से हो गया है। इतना काम शेष है, तो मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं ही, फल भोगने में भी स्वतंत्र हो जाऊं, तो जागृत मानव जो कर्म करता है उसके फल का उसको पहले से पता होता है, यही उसकी स्वतंत्रता है। वो फल से प्रभावित क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पहले से ही कर्म का फल पता होता है। जैसे इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, जैसे 2+2=4 होता है, ये हमको पहले से पता होता है। तो जब मैं 2+2 जोड़ रहा होता हूँ, तब मैं बहुत अनिश्चितता के साथ में होता हूँ, पता नहीं क्या फल आएगा इस बार। अनिश्चितता के साथ होता हूँ कि निश्चित होता हूँ, 4 ही आएगा, ठीक। तो जब मैं जिंदगी के बारे, जिंदगी के फल के बारे भी इतना अवेयर हो जाता हूँ, इतना निश्चित हो जाता हूँ,
कि फल की निश्चितता का मुझको पहले से ही पता है तो मैं फल के प्रभाव से मुक्त हो जाता। बढ़िया। चेहरों में कोई उदासी दिखती है, खुश नहीं दिखते। दबाव साथ लेके आए, बात समझ में है ना? तो ये क्लैरिटी बनती है कि कितनी यात्रा हमारी शेष है। तो इतनी यात्रा हमारी शेष है, अभी हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल के बारे में निश्चित नहीं है। फल की चिंता रहती है, फल कैसा आएगा, है ना? एक मशीन, एक मैकेनिक, जब हमारी कार खराब हो जाती है तो हमको लगता है कि ठीक होगी कि नहीं होगी। हम अनिश्चित होते हैं। मैकेनिक बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो खोलता है, जो करना करता है, ठुक पीट के दे देता है, जाओ हो गया, क्योंकि उसको मशीन का पता है, हमको मशीन का पता नहीं है। तो जिस मामले में हमको पता है उस मामले में हम निश्चिंत होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि किचन में जाके, कोई भी दुनिया में कोई भी किचन है, हमको पता है किचन में क्या सामान होता है, हम खाना बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जिंदगी का खाना बना सकें, उस पर ना खुश है ना, सुख रूपी डिश तैयार हो हमेशा, उसके लिए हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो ये क्लैरिटी हमारी होने से हम फल के लिए भी निश्चिंत हो जाते हैं। तो इतनी हमारी यात्रा शेष है। तो इसके लिए बोला कि बेसिकली व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है? व्यवस्था की समझ नहीं है, व्यवस्था की समझ नहीं है। क्या व्यवस्था की समझ नहीं है? शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है ये पता नहीं है, कितना पैसा कमाने से सुखी हो जाऊंगा ये भी पता नहीं है, शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है ये भी पता नहीं है, कितना पैसा कमा के सुखी होऊंगा ये भी पता नहीं है, और मेरे भीतर जो कुछ चलता है, मेरे भाव और विचार में जो कुछ चलता है, ये हमेशा सुखदायी कैसे चले ये भी पता नहीं है, और दूसरे के मन में जो चलता है ये कैसे ऐसा चलता है ये भी पता नहीं है। बात ध्यान में आई? यदि मेरे को इस मशीन का पता है, तो यदि मेरे को ये पता है कि मेरे भीतर जो भाव और विचार चलता है, शरीर स्वस्थ रहे ये चाहत किसकी है? शरीर की है कि मेरी है? मेरी है। कितना पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है ये कौन तय करता है? मैं ही तय करता हूं। मैं मेल हूं कि फीमेल हूं ये कौन पहचानता है? ये मैं ही पहचानता हूं। शरीर स्वस्थ है कि बीमार है ये कौन पहचानता है? मैं ही पहचानता हूं। मुझको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है ये कौन पहचानता है? मैं ही पहचानता हूं। ये मैं कहां है? जब मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। मैं कहता हूं मेरा शरीर है, मेरा शरीर है मतलब मैं शरीर से अलग हूं। ये मैं नाम की चीज कहाँ है, और इसमें ये भाव और विचार की धारा कैसे बह रही है, और खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित है कि असीमित है? बोलते जाओ। और जो सोचने की ताकत है वो सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाना खाने से आती है कि नहीं आती है? सोचने की ताकत खाना खाने से आती है कि नहीं आती है? आ रही है? फिर से पूछता हूं, लॉजिक लगाते जाओ। खाना खाने से मिली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? सीमित। सोचने की ताकत सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाना खाने से आती है? विचार चलता ही है, आखिरी सांस तक चलता है। अरे जैनियों में तो आप तो जैनी हो क्या? ये देखो, जैनी हो के भी जैन धर्मशाला में बैठ के ऐसी बात करते हो। संधारा होता है कि नहीं होता है? क्या होता है संधारा? खाना पीना छोड़ने का निर्णय कौन लेता है? मैं लेता हूं कि शरीर लेता है? मैं लेता हूं। और संधारा क्यों करता हूं? फ्रेंड अब भाई देखो,
बिल्कुल अपने धर्म से बिल्कुल विमुख हो। संथारा अपने आप में बहुत एक पवित्र क्रिया है कि कोई समय आदमी ये पहचानता है कि अब इस शरीर का कोई काम नहीं बचा, इसके सारे काम पूरे हो गए, तो इससे अंतिम काम भी ले लिया जाए। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, इसके दृष्टा होने का, इसको देखने की क्रिया का नाम संथारा है। तो निर्णय पूर्वक मैं शरीर को खाना देना बंद कर देता हूं, मैं रोज शरीर को मरते हुए देखता हूं और एक दिन अंतिम समय में भी उसको मरते हुए देखता हूं और मैं नहीं मरा हूं और मैं इसको मरते हुए देख रहा हूं। क्या लोगों ने प्रयोग किए, क्या लोगों ने हिम्मत की है, क्या लोगों ने प्रयोग किए हैं, है ना? तो ये कौन देख रहे हैं कि शरीर मर रहे हैं? मैं ही देख रहा हूं और एक क्षण में शरीर मर गया और मैं हूं। जिस क्षण ये देख लिया कि मैं हूं और शरीर मर गया, तो मुझको अमर होना है कि मैं अमर हूं ही, मैं अमर हूं ही, केवल इसको पहचानना है। मैं स्वयं को शरीर मानता हूं और शरीर मरता है, इसलिए मैं भी मरता हूं जबकि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये मेरी क्लैरिटी होना कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से आने वाले सारे प्रभावों से, नेगेटिव प्रभावों से मैं मुक्त हो जाता। तो शरीर बाहरी जितने प्रभाव आ रहे हैं इनसे मैं मुक्त होना ही चाहता हूं, मैं तमाम नेगेटिव प्रभावों से मुक्त होना ही चाहता हूं। मैं अपने में ये पहचान पाऊं, जो मैंने कहा कि हम क्या चीज, मैं सुखी होता हूं, सुखी किससे होता हूं, है ना? स्वीकृति किसके लिए, व्यवस्था के लिए। तो व्यवस्था को पहचानने वाला कौन है? मैं हूं। व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। और मैं खुद, मुझको खुद के होने का पता नहीं है, तो कहां मैं व्यवस्था को बनाऊं और कैसे मैं व्यवस्थित हूं, है ना? तो इसलिए पहला काम ये पता चला कि मुझको मेरे अस्तित्व को पहचानना होगा, मेरे होने को पहचानना होगा। मैं अपने आप में कोई व्यवस्था हूं, मैं अपने आप में कोई रियलिटी हूं, मैं अपने आप में कोई वास्तविकता हूं। पत्नी बाद में हूं, पहले मैं हूं ही। स्त्री भी बाद में हूं, पहले मैं हूं ही। तो मैं स्त्री हूं कि मैं स्त्री शरीर चलाती हूं, और चलाती हूं कि चलाता हूं? चलाती तो बाद में हुई, पहले तो मैं था ही। और ये कोई भी गाड़ी चला सकता है, ये फीमेल गाड़ी भी चला सकता है, मेल गाड़ी भी चला सकता है। तो धीरे से ऐसे हमारा ध्यान जाएगा। तो खैर, अभी के लिए ये बोला कि समाधान बराबर सुख। तो मेरे पास जिस भी, तो ये पूरी से पूरी दुनिया घटनाओं की श्रृंखला है, घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। हर घटना किसी नियम से है, उस घटना को मैं समझ पाता हूँ तो घटना स्वीकार हो जाती है, स्वीकार होती है तो मैं दुखी नहीं होता हूँ। घटना को नहीं समझ पाता हूँ, मेरे अनुकूल हो जाए, घटनाएं मेरे अनुकूल होंगी, सभी घटनाएं मेरे मन की होंगी, मेरे अनुकूल होंगी, या मुझको घटनाओं को समझना है? घटना अपने नियम से हो रही है, वो आपके और मेरे अनुकूल नहीं होती है, वो किसी के अनुकूल भी नहीं होती है, किसी के प्रतिकूल भी नहीं होती। घटना किसी के अनुकूल या प्रतिकूल होती है कि घटना किसी नियम से होती है? तो घटना किसी नियम से होती है, वो किसी के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती। अनुकूल और प्रतिकूल घटना कैसे हो जाती है? मोहवश, लोभवश, कामवश, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के कारण किसी घटना को मैं मेरे अनुसार चाहता हूं, वैसा नहीं होता है, फिर मैं रोता गाना कर सकता हूं। तो मेरे पिताजी चले गए, मेरी मां चली गई, मेरी पत्नी चली गई, लेकिन उसको नहीं जाना था, वो क्यों चले गए? तो घटनाएं मेरे अनुसार नहीं हो सकती, घटनाएं किसी नियम के अनुसार ही होती है। तो घटनाओं के साथ, घटनाओं के नियम को समझ के मैं घटनाओं को स्वीकार सकता हूं, या समझ में ना आने से रोना गाना कर सकता हूं। बढ़िया, बात पहुंच रही? कितने लोगों को पहुंच रही? हाथ उठाओ, कौन बोल के बताएगा? बोल के बताएगा?
ऐसा मत करो यार। हाँ कौन बोल के बताएगा? हाँ गुड, बोलो। स्वीकृति, स्वीकृति है वो व्यवस्था के लिए है, तो अगर हमको व्यवस्था समझ में आती है तो हमको जीना समझ में आता है। तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि जैसे कि अभी व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, तो व्यवस्था के बारे में पता नहीं है तो शरीर के बारे में भी हमको पता नहीं कि उसको कैसे अच्छा रखना है तो क्यों अच्छा रखना है, और कितना पैसा कमाना है इसके बारे में भी पता नहीं है, और स्वयं के बारे में भी पता नहीं है, और सम्मान कैसे पाना है ये भी पता नहीं है, सुख कैसे पाना है ये भी पता नहीं है, जिंदा रहने के जीना है ये भी पता नहीं है, इसके बाद भी हंस लेते हो क्या पूरा? जिंदगी का कोई एड्रेस अपने पास है ही नहीं, उसके बाद भी हंस लेते हैं क्या पूरा? फिर चाहे उसी का सहारा है उसको भी धन्यवाद। ये सब चीजों का सहारा तो रहेगा ना, तब तक क्या करोगे? तो कभी म्यूजिक का सहारा है, कभी घूमने फिरने का सहारा है, कभी खाखरा बाबरा है ना, मनोरंजन, यही सब समझ में आया। इसीलिए स्वीकृति नहीं है सारी चीजों के प्रति, कभी होती कभी नहीं, अनिश्चितता बनी हुई है कि अब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता जी जी, और क्लियरिटी नहीं है। तो अब मेरे को ये पहचानना है कि व्यवस्था क्या है, इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं तो व्यवस्था और व्यवस्था के साथ समाधान, तो अभी व्यवस्था शब्द नेचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि अस्तित्व में जो कुछ भी है, नेचर में जो कुछ भी व्यवस्था है वो किसी नियम से है, तो मेरे भाव और विचार का भी कोई नियम है ना, ये सब कुछ किसी नियम से चल रहा है और मेरे को उसका नियम नहीं पता है। तो गाड़ी वाले को, मैकेनिक को गाड़ी का नियम पता है तो गाड़ी को ऑपरेट करता है, हमको किचन का नियम पता है तो हम किचन को ऑपरेट कर लेते हैं, हमको धंधे का नियम पता है थोड़ा धंधा ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का नियम नहीं पता है तो भाव और विचार हम ऑपरेट नहीं कर पाते। तो अस्तित्व के नियम की जानकारी ही समाधान है, इसी नियम से हो रही है, नियम से होती है, इसलिए समस्त अस्तित्व को समझना ही मेरा समझकर जान पाना और उसके साथ स्वीकृत होकर जीना ही। हाँ, तो घटनाएं मेरे को सुख दुख देने नहीं, कितनी घटनाओं को मैं हैंडल कर सकता हूँ और कितनी घटनाओं को मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो जो नहीं कर पाया वो मेरा इवोल्यूशन, मेरी जर्नी बाकी है, जो मैं कर पाया वो मेरी जर्नी बढ़िया हो गई। तो अपनी स्थिति को पहचानने के लिए घटनाएं आईना है, अपनी स्थिति को पहचानने के लिए घटनाएं आईना है, ताकि मैं और ग्रो कर सकूं। और इस शरीर यात्रा में बोले खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाना है, तो भैया काय को वस्ते सिकराने आए फिर, तो ना खाली हाथ आना है ना खाली हाथ जाना है। ये जो अपने में कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये जो अपने में समझ की पूंजी है, ये अपने में जो स्टेबिलिटी है, मैं स्टेबिलिटी को पाना चाहता हूँ और दो कदम आगे अपनी यात्रा पूरी करता हूँ या स्टेबिलिटी को पा के जाता हूँ, वो स्टेबिलिटी मेरे साथ रहता ही है ना। तो मैं ऐसी पूंजी कमाना चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहती है ना, उस पूंजी की कमाई मेरी एक्चुअल कमाई है, बाकी साथ में है ही। जागृत मानव का मन के प्रति निश्चितता का या उसके मन के स्वतंत्रता का कारण है उसका नियम के साथ हारमनी में होना है, अस्तित्व के नियम के साथ हारमनी में होना। बस तो मैं भी अगर नियमों को समझकर जीने लग जाऊं तो मन के प्रति आशंका नहीं रहेगी, बस इतना ही काम है। देखो फाइनल पिक्चर आपके सामने कंसेप्ट के रूप में आ गया है ना, फाइनल पिक्चर इतना ही है। अब इस पिक्चर को हजम करने में, इस पिक्चर को, पूरी पिक्चर को देखने में और अपने में डाइजेस्ट करने में जो समय लगता है वो लगता ही है, उसमें हर एक की यात्रा अपनी अपनी। बढ़िया, तो देखिए पूरी चर्चा में फाइनली क्या निकल के आ गया कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख, इतना ही खेल है पूरा जीवन। तो पूरा जीवन इतना ही खेल है कि समाधान बराबर सुख, जो हमने शुरू में चर्चा किया था कि हम समस्याओं से दुखी नहीं होते, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है, समाधान बराबर सुख है, समस्या बराबर दुख है, यहाँ तक पहुँचे। अभी तक सुख दुख किसको मान रहे थे? अभी तक सुख दुख किसको मान रहे थे, है ना? देखो सुख दुख के बारे हमारे कॉन्सेप्ट कैसे हैं, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है कि सुख दुख साथ साथ है, एक सिक्के के दो पहलू। कितने लोगों ने सुना? सभी ने सुना,
अब या तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये सही है, या सुख की निरंतरता है, ये सही है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। यदि सुख की निरंतरता है तो सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ठीक होगा। एक कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, बोले सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। कितने लोगों ने सुना? सबने सुना, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। कभी आपने अपने पत्नी को बोला कि विश्वास से जीते हुए कई साल हो गए, अब थोड़ा धोखा दे दो, मेरे को विश्वास समझ में नहीं आ रहा है, कभी ऐसा बोला? तो समझना पड़ेगा कि सुखी सुख हो गया तो बोर होने का क्या मतलब है। और क्या सुना है? और क्या सुना है? जितना हंसोगे उतना रोओगे। कितने लोगों ने सुना ये? जितना हंसोगे उतना रोओगे, इसका मतलब निरंतरता नहीं हो सकती, जबकि हम निरंतरता चाहते हैं। और क्या सुना है? और क्या सुना है? दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, ऐसी तमाम बातें हमने सुनी है। नानक दुखिया सब संसार, ये संसार दुख रूप है, जबकि संसार नियम पूर्ण है, और नियम पूर्ण है तो संसार सुख रूप, संसार दुख रूप नहीं है। मैं नियम को नहीं समझता, इसका नाम दुख। तो नानक दुखिया सब संसार, तो संसार दुख रूप नहीं है, संसार नियम पूर्ण है, मैं नियम को नहीं समझता, इसका नाम दुख है। तो मेरी समझ में कमी का नाम दुख है, संसार दुख रूप नहीं है। तो फिर ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? सुख दुख साथ साथ है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? तो जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, भ्रमित होने का भी और कोई मतलब नहीं है। हम स्वयं को शरीर मानते हैं, मैं मानव नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ। और जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो मेरा सुख कहाँ से आता है? मेरा सुख इंद्रियों से आता है, मेरा सुख सामान से आता है, है ना? जब मेरा सुख इंद्रियों से आता है तो उसकी निरंतरता नहीं है, इसलिए कभी खुशी कभी गम रहेगा ही। सुखी सुख हो गया, नमकीन खाने के बाद मीठे की इच्छा होती है, ठंडे के बाद गर्मी की इच्छा होती है ना? इसलिए सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाते हैं। तो भौतिक सुख जितना भी है, इंद्रिय सुख जितना भी है, उसको झेलने की, उसको पाने की निरंतरता नहीं है। कोई पॉइंट के बाद उसमें बदलाव लाने की इच्छा होती ही है, इसलिए उसमें सुख दुख साथ साथ है, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे सुख को लेके कॉन्सेप्ट हैं, सुख को लेके जितने भी हमारा ज्ञान है, वो सारा शरीर के धरातल से आता है, वो सारा का सारा गलत है, भ्रम है, इल्यूजन है, उसमें कुछ भी काम की बात नहीं है। बढ़िया, कितने लोगों तक बात पहुंची? पहुंचे। तो यहां से हमको पता चला कि समाधान बराबर सुख होता है, और समाधान क्या है? समाधान क्या है? व्यवस्था की समझ। तो व्यवस्था की समझ को आगे बढ़ाते हैं, व्यवस्था को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। चार अवस्थाओं में से एक जिसको हम बोलते हैं पदार्थ, मटेरियल किंगडम, पदार्थ अवस्था, पेड़ पौधे, प्राण अवस्था, जिसको हमने मानव के रूप में पहचाना। मानव रहता है तो किसी परिवार में ही पैदा होता है, पूरी धरती के सारे परिवारों को एक साथ बोले तो समाज है,
समाज ठीक से चले इसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं, मैन मेड व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनको क्या बोलते हैं, उसको हम एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं, हेल्थ बोल रहे हैं, उसको हम न्याय जस्टिस बोल रहे हैं, उसको हम अपना लोकतंत्र बोल रहे हैं, शासन व्यवस्था बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं, बाजार बोल रहे हैं, और पूरा ये विश्व की तमाम व्यवस्थाएं बोल रहे हैं, UNO बोल रहे हैं, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी बनाई गई। मानव को देखना शुरू करते हैं, नीचे देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं चलते जाऊँ कि रुकूँ? ये सब आप देखो, ही खूब मजबूत यूट्यूब में बहुत मटेरियल पड़ा है, सब आपको मिल जाएगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई खास बात नहीं। मानव को देखें तो मानव किसी परिवार में पैदा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको लगता है कि परिवार उसको समझता नहीं है, और माँ बाप को लगता है कि इसने सुनना बंद कर दिया है। परिवार देखता है कि ये समाज गड़बड़ है, समाज के जिम्मेदार लोग बोलते हैं कि परिवार गैर जिम्मेदार है। एक जवान व्यक्ति से पूछें कि समाज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वो कहता है समाज ने दिया ही क्या है। और जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, न्याय, बाजार, है ना, इन सब व्यवस्थाओं के प्रति आने वाली पीढ़ी का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? घटता हुआ दिखाई देता है। और इनसे पूछो कि ये युवा पीढ़ी कैसी है, बोले सब हिप्पी कल्चर में जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखें तो सभी जगह हमको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। इस सारे क्वेश्चन मार्क का मतलब है FW, फैमिली वार्मिंग। ऊपर देखते हैं तो इधर तो कोई व्यवस्था देखने की जरूरत नहीं है, है ना। अब ये बहुत क्लैरिटी हो गई कि अभी हमारी जिंदगी व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, परिवार, समाज। तो हमारे मानव और मानव के बनाए हुए तमाम सिस्टम अव्यवस्थित हैं, उसी की पीड़ा को पूरे विश्व में हम किसी न किसी रूप में झेल रहे होते हैं। घर में हमने अपनों से दुख पाया है और बाहर में पूरे संसार से दुख पाया है, और इस बीच में म्यूजिक है। नहीं, देखो बीच में थोड़ा बहुत मजाक तो करना पड़ेगा, अब इतनी सीरियस बात नहीं, कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत हंसते खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मैं भी गाने सुनता हूँ। तो ऊपर देखें तो ये भी समझ में आया कि जैसी भी मिट्टी होती है, जैसी भी मिट्टी होती है वैसे पेड़ पौधे उस मिट्टी पे जन्म लेते हैं, और पेड़ पौधा मरने के बाद उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। ठीक हो गया। अब यदि सही अर्थों में देखें तो मिट्टी और पेड़ पौधे का रिलेशन कैसा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में मिट्टी के जीने की बात करें तो उसका जीने का क्या मतलब होगा? मिट्टी का जीना मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता। तो कोई मिट्टी के जीने की क्वालिटी का मतलब है उसकी उपजाऊ क्षमता। इसका मतलब यह हुआ कि कोई मिट्टी ऐसी है जो उस पे उगने वाले पेड़ पौधों के लिए ताकत ना उपलब्ध कराए, अपने पास समेट के रख ले कि नहीं दूंगी, है ना। तो मिट्टी क्या करती है, बल्कि ये कहा जाता है कि किसी भी मिट्टी पे उगने वाले पेड़ पौधों को देख के हम ये समझ सकते हैं कि उस मिट्टी के भीतर किस तरह के मिनरल या मेटल्स पाए जाते हैं। तमाम इस तरह का रिलेशन भी पहचाना जाता है।
तो इससे ये समझ में आया कि जैसी भी मिट्टी है उसके ऊपर वैसे पेड़ पौधे पैदा होते ही हैं। तो मिट्टी अपनी पूरी ताकत उपलब्ध करा देती है ताकि पेड़ पौधे जी पाए, और वापस इससे मिट्टी का जीना हुआ कि नहीं हुआ? पेड़ पौधा फल फूल देता है, पत्तियां गिराता है और फाइनली मर जाता है, और उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। तो नेचर में देखें तो जो जीने का स्वरूप है वो कैसा है? इसे दो लाइनें हमने सुनी है, एक लाइन हमने सुनी है जियो और जीने दो। नेचर में देखने गए तो हमको दूसरा भी दिखाई देता है, जीने दो और जियो। नेचर में कैसा दिखता है, पहले वाला दूसरे वाला? तो मिट्टी ने पेड़ पौधे को जीने दिया, जिसके फल स्वरूप मिट्टी का जीना हो गया। मिट्टी ने पेड़ पौधे को जीने के लिए अपनी पूरी ताकत उपलब्ध करा दी, उसके फल स्वरूप पेड़ पौधे में जो प्रक्रिया हुई उससे मिट्टी का जीना भी समृद्ध हो गया। तो जीने देना ही जीना है। क्या समझ में आया? जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। तो हम दूसरों के जीने के लिए कितना सहयोगी हुए, ये मानव के जीने का मतलब है। तो जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। तो पूरी नेचर को देखें तो जीने देना ही जीना है, यही दिखाई देता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी के जीने के लिए सहायक होते हैं, पशु पक्षी वापस जो मलमूत्र देते हैं वो मिट्टी के पेड़ पौधे के लिए, मिट्टी के लिए सहायक हो गया। तो पूरी नेचर में देखते हैं तो एक चेन दिखाई देती है, पूरी नेचर में देखते हैं तो एक चेन दिखाई देती है। गड़बड़ है तो बस क्या दिखाई देता है? गड़बड़ है तो बस इतना ही दिखाई देता है, मानव के चिंतन रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो नेचर में उपलब्ध है। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता, लेकिन मानव ने मिट्टी के साथ क्या किया, मानव ने पेड़ पौधे के साथ में क्या किया, और मानव ने पशु पक्षी के साथ में क्या किया? तो तीनों को एक शब्द में बोलते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो धरती पे मानव की केवल दो ही समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। इसका इतना ही मतलब हुआ कि ना हमको आदमी के साथ जीने आया, ना हमको नेचर के साथ जीने आया। आदमी को भोग करना आया और नेचर को भोग करना आया, आदमी का शोषण किया और नेचर का शोषण किया, अपनों से दुख पाया, यहीं तक हम पहुंचे। तो इसका मतलब है कि जीने वाला भाग हमारा खाली है, जिंदा रहने वाले भाग में हमने कुछ किया है, जिसमें भी ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग फ्री में है, यहाँ हम पहुंचे। तो ये कैसी स्थिति है? तो ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? तो मानव की एंट्री जहां से शुरू होती है वो विलेन टाइप, फिल्म में विलेन आता है, तो विलेन के आते ही सब इधर उधर हो जाता है। तो अभी की स्थिति ऐसी है। तो इसका मतलब है तो हमको व्यवस्था को समझना है तो मानव के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन नेचर को देख के व्यवस्था को समझते हैं। नेचर के पास गए तो मटेरियल का, जैसे हमको लोहे पे विश्वास ज्यादा है कि आदमी पे विश्वास ज्यादा है? लोहे कितना अच्छा लगता है ना? और क्या, घर में एक दूसरे को बोल सकते हैं तुम तो लोहे जैसे भी नहीं, तो कम से कम लोहे पे भरोसा कर सकते हैं, है ना? तो हम लोहे पे भरोसा कर पाते हैं, हमेशा कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? नेचर, क्या नेचर? हम लोहे पे भरोसा कर पाते हैं, एल्युमिनियम पे भरोसा कर पाते हैं, गोल्ड पे भरोसा कर पाते हैं, गोल्ड हमेशा गोल्ड ही होता है ना? ऐसा हम भरोसा क्यों कर पाते हैं? फिक्स्ड है, क्यों फिक्स्ड है? उसका आधार क्या है, क्या नियम है उसमें, उसका जो मटेरियल फॉर्म है, मटेरियल फॉर्म में बेसिक कॉम्पोनेंट क्या है? तो बेसिक कॉम्पोनेंट जाएंगे तो एटम है।
तो हमको ये पता चला कि लोहे का एटम चांद पे मिलेगा कि मंगल पे मिलेगा, लोहे का एटम ही होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ही रहेगा। इसका मतलब है, एक लोहे के एटम का मतलब है फिक्स्ड नंबर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, जो हमेशा उतना ही रहता है, उसकी संख्या उतनी ही रहती है, इसको हम मात्रा बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना भी मटेरियल किंगडम है, जितना भी पदार्थ है, उसमें आचरण की निश्चितता है, और आचरण की निश्चितता का आधार उसका एटम है, एटम में निश्चितता का आधार मास है, मात्रा है। तो हमको पता चला कि मटेरियल किंगडम के प्रति हमको विश्वास क्यों है, क्योंकि उसके आचरण की निश्चितता है। चलो, पेड़ पौधे के प्रति हम विश्वास कर पाते हैं? पौधे में आचरण की निश्चितता है, पका हुआ आम मीठा ही मिलेगा, पका हुआ आम कड़वा निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता है? नीम नीम ही मिलेगा। तो पेड़ पौधे के आचरण के प्रति हमको विश्वास कैसे हो पाता है ना? जैसे पदार्थ के मूल में उसका एटम है, तो पेड़ पौधे के मूल में उसका बीज है, जैसा बीज होगा वही पेड़ होगा, वही फल होगा, वही उसका गुणधर्म होगा, उस बीज से फिर वही पेड़ दोबारा आएगा, वही फल होगा। तो पेड़ पौधे को देखें तो बीज विधि से पेड़ पौधे के आचरण की निश्चितता है, हम पेड़ पौधे के प्रति विश्वास कर पाते हैं, है ना, कि हर पेड़ पौधा अपने गुण के साथ ही होगा, भरोसा कर पाते हैं। पशु पक्षी, पशु पक्षी में भरोसा कर पाते हैं कि नहीं? तो शेर शेर ही होगा, गाय कितनी भी, कोई गाय सीधी भी होती है, कोई गाय थोड़ा सा नेचर से, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी कि मार के खा ले आपको, है ना? तो गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, पूरे विश्व में है, नहीं नहीं अमेरिकन गाय मांस खा लेती है ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं नहीं अमेरिकन शेर शाकाहारी होता है ऐसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे नेचर में देखें तो पशु अपने आचरण के साथ है, और पशु के अपने आचरण के लिए जो निश्चितता है उसका आधार क्या है? पशु में आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? तो वंश हो गया, शेर का बच्चा शेर ही होता है, उसका आचरण शेर का ही होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, उसका आचरण बकरी का ही होता है। तो पशु पक्षी में हमने देखा कि वंश के अनुसार उनके आचरण की निश्चितता है, पेड़ पौधे में देखा तो बीज के अनुसार उनके आचरण की निश्चितता है, मटेरियल किंगडम में देखा तो एटम के अनुसार उनके आचरण की निश्चितता है। ये तीनों जगह में हमको प्रकृति में व्यवस्था को समझने गए, हम क्या कर रहे हैं, हमको समझ में आया कि सुख क्या है, व्यवस्था को समझना सुख है। तो हम पूरी प्रकृति में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी प्रकृति में यदि इतनी हार्मनी है, आपस में इतना सामंजस्य है, तो मानव में सामंजस्य क्यों नहीं है, हमने क्यों अपनों से दुख पाया, पूरे नेचर में कोई किसी से दुख नहीं पा रहा है, चींटी का भी अस्तित्व है, हाथी का भी अस्तित्व है, आम का पेड़ भी हजारों साल से है, नीम का पेड़ भी हजारों साल से है, सारे पशु पक्षी अपने अपने अस्तित्व के साथ हैं, अपनी अपनी भूमिका के साथ हैं, है ना, इनमें आपस में को एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। मानव में जो अपने ही खून के रिश्ते के लोग हैं, इनमें क्यों आपस में द्वेष दिखाई देता है, इसको समझने के लिए हम नेचर में गए तो हमको पता चला कि जो एटम है, जो पदार्थ है, वो मात्रा विधि से उसके आचरण की निश्चितता है, पेड़ पौधे में बीज विधि से उनके आचरण की निश्चितता है, पशु पक्षी में वंश विधि से उनके आचरण की निश्चितता है, और मानव में बाकी चीजों में एक और मामला बढ़िया है, बाकी मानव के अलावा सभी इकाइयों में उनके आकार को देख के हम आचरण को पहचान लेते हैं। बाकी सभी इकाइयों में मानव को छोड़कर उनके आकार को देख के हम आचरण को पहचान लेते हैं, आकार देख के पहचान लेते हैं, बिच्छू है, हाथी है, शेर है, सांप है ना, उसके आधार पर उसका आचरण कैसा होगा ये भी पहचान लेते हैं। मानव को भी उसके आकार को देख के पहचान लेते हैं, अभी मानव है, भैंस नहीं है, है ना, हमको मानव देखने से पहचान में आ जाता है। आचरण किसका करेगा, आचरण किसका करेगा, तो शेर का भी कर सकता है, बिच्छू का भी कर सकता है, हाथी का भी कर सकता है, आचरण किसी का भी कर सकता है।
तो मानव के आचरण के बारे हमारी निश्चितता नहीं है। हमने दुख पाया तो किससे हमको डर, किससे है हमको, मानव से डर है कि शेर से डर है ना। तो यहाँ पे आगे पता चला कि मानव में आचरण की निश्चितता नहीं है, और दूसरों को छोड़ दीजिए हम खुद के आचरण पे आ जाए, मेरे को स्वयं से कैसे आचरण की अपेक्षा है, मैं स्वयं के आचरण से कैसे आचरण की अपेक्षा करता हूँ, मेरा आचरण कैसा हो, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। निश्चित हो। मैं दूसरों से कैसे आचरण की अपेक्षा करता हूँ, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। तो मेरे को स्वयं से भी एक निश्चित आचरण की अपेक्षा है, दूसरों से भी एक निश्चित आचरण की अपेक्षा है। निश्चित आचरण मतलब, निश्चित आचरण मतलब एक ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो, एक ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, मेरा आचरण मेरे लिए दुखदायी ना हो। हमने अपनों से दुख पाया कि अपने आप से ज्यादा दुख पाया, अपने आप से ज्यादा दुख पाया। मेरे भाव और विचार में जो नेगेटिविटी है वो मेरे लिए ज्यादा दुख का कारण बनती है। सामने वाले ने एक बार दुख दिया था और मैंने हजारों बार दुख पाया है ना। इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि बेसिकली मेरे खुद का आचरण ही अनिश्चित है, और मैं उस अनिश्चित आचरण के कारण ज्यादा दुख पाता हूँ। तो मेरे को अपेक्षा अपने आप से भी निश्चित आचरण की है, दूसरों से भी निश्चित आचरण की है, ये मेरी अपेक्षा है। कैसे होगा, कैसे होगा? चीज की निश्चितता है हर मानव में, क्या चीज की निश्चितता है, कहीं से तो तार पकड़ में आए है? हाँ, एक तो ये निश्चितता है, बहुत बढ़िया। एक तो ये निश्चितता है कि दुनिया का हर खराब से खराब आदमी और हर ज्ञानी से ज्ञानी आदमी कहीं भी होगा, वो सुख की तलाश में है, वो सुख की, सुख उसकी आवश्यकता है, इसको वो बाईपास नहीं कर सकता है। ये तो एक इनहेरेंट है जो नेचुरल है ना। एक और चीज़ है जो जिसको हम तार पकड़ के चल सकते हैं, हर आदमी जैसा मानता है वैसा जीता है। हर आदमी जैसा मानता है वैसा जीता है ना। वो किसी को दोस्त मानता है तो उसके साथ दोस्त जैसा जीता है, किसी को दुश्मन मान लेता है तो दुश्मन के जैसा जीता है, वो अपने आप को स्त्री मान लेता है तो स्त्री के जैसा जीता है, वो पुरुष मान लेता है तो पुरुष के जैसा जीता है, सीईओ मान लेता है तो सीईओ के जैसा जीता है, जैसा मान लेता है, हिंदू मान लेता है, मुस्लिम मान लेता है, जैन मान लेता है, बौद्ध मान लेता है, जैसा मानता है वैसा जीता है। इसका मतलब, इसका मतलब एंकर कहाँ डाला जाए, एंकर कहाँ डाला जाए, उसके मानने पे एंकर डाला जाए। यदि उसका मानना एग्जिस्टेंशियल हो जाए तो उसका जीना भी नेचुरल हो जाए। बस एक ही आशा की किरण है। अभी उसका मानना कैसा है, अभी उसका मानना कैसा है, जिंदा रहने के आधार पर स्वयं को शरीर मानते हुए अभी उसका मानना है। तो शरीर मानते हुए अब जो इंद्रियों से सुखी होना है, रूप बल धन पद से सुखी होना है ना, अब जो झंझट करना है करेगा। इसका मानना प्रकृति सहज हो जाए, इसका मानना यदि नेचुरल हो जाए तो इसका आचरण भी नेचुरल हो जाए। देखो, नेचर में जितनी भी इकाइयां हैं उनका एक नेचुरल बिहेवियर है। लोहे का आचरण नेचुरल है, शेर का आचरण नेचुरल है। तो नेचर में जितनी भी एंटिटीज हैं उनका बिहेवियर भी नेचुरल है। मानव एकमात्र एंटिटी है जिसका होना नेचुरल है लेकिन उसका बिहेवियर नेचुरल नहीं है। क्यों नेचुरल नहीं है? क्योंकि उसका मानना, क्योंकि उसका मानना नेचुरल है कि अननेचुरल है? उसका मानना अननेचुरल है क्योंकि वो शरीर नहीं है और वो स्वयं को शरीर मान के जीता है। जो वो नहीं है, जो वो नहीं है वो खुद को मान के जीता है ना। इसलिए बस एक ही आशा की किरण है कि उसका मानना नेचुरल हो जाए तो उसका जीना भी नेचुरल हो जाए। तो क्या करें, क्या करें,
क्या करें, माइक माइक माइक। देखो ये पूरी प्रक्रिया ना कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन देने की नहीं है, आपके भीतर वो थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने की है। कौन सी वाली प्रक्रिया है ये, क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं आपके साथ, आपको कोई उपदेश दे रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि विचार लाइन पे लग जाएंगे तो चप्पल अपने आप लाइन में लग जाएंगे। अगर हम हमारा मानना शिफ्ट कर दे तो अपने आप सब ठीक हो जाए, पूरी जिंदगी शिफ्ट हो जाएगी, पूरी जिंदगी शिफ्ट हो जाएगी। और 7 दिन में शिफ्ट होती हुई दिख जाती है, 5 दिन में नहीं होती। हो जाती है, बहुत लोगों की होते हुए देखते हैं, हमारी खुद की भी हुई है। और इस काम से हम कोई पैसा कमाते नहीं हैं, हम और हमारे सभी मित्र इसको जो आयोजन करते हैं और जो सभी मित्र इसको परिवार भाव से कि हमको कुछ अच्छा मिला है, अपने भाई बहनों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, उस खुशी की अपने ही खुशी की चाह में करते रहते। बढ़िया। हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि एक आध दिन में जो कॉन्वर्सेशन आफ्टर ये सेशन के बाद हुई है और सेशन के दौरान भी जो डिस्कशन हुई है, उसमें मेरा रियलाइजेशन ये है कि जो बड़े लोग हैं पोस्ट 35 से ऊपर वाले या फिर 40-50 जितने जितने ज़्यादा एज हो रही है, दे हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू पॉइंट ऑफ द मैरिज और द रिलेशनशिप्स रादर देन आर जनरेशन। बिकॉज हम लोगों ने जितनी बात करी है उसमें यही हुआ, यही बात की है कि हमने खराब रिलेशनशिप्स देखे हैं पेरेंट्स के, इनके उनके, तो इसलिए हमारा भी एक नेगेटिव अप्रोच है। बट सर तो हम ये मान के अगर चलते हैं कि पहले के रिलेशनशिप्स वर ऑन द पॉजिटिव साइड एंड अभी वाले नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो ये जो शिफ्ट आया है मानने का, उसका रीजन क्या है? बहुत बढ़िया, देखो तार कितना बढ़िया पकड़ा, बहुत बढ़िया तार पकड़ा है कि अब ये तो समझ में आ गया कि जैसा मानता है वैसा जीता है। ये पुराने वाले हमको तो लग रहा है दुखी है, पर वो फिर भी बोल रहे हैं नहीं ठीक तो यही है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना जो मानना था वो आस्था के आधार पे था। वो बोले, किसी ने कहा, बोले रिश्ते ऊपर तय होते हैं, सुना है कि नहीं? किसी ने बोला कि रिश्ते तो ऊपर तय होते हैं, तो दूसरे ने कहा इसका मतलब काम तो ऊपर भी ठीक नहीं चल रहा है। पति पत्नी में जितने जोक बनते हैं ना उतना जोक और कहीं नहीं बनते। क्यों ऐसा होता है? और बड़े गजब के कॉमन सेंस वाले जोक बनाते हैं, क्यों ऐसा होता है? है? हाँ, क्योंकि बनाने वाले पुरुष होते हैं। भाई लेडीज को तो बहुत काम रहता है, आदमी खाली रहते हैं तो ऐसे जोक बनाता रहता हूँ। सर पति पत्नी पर जोक ज़्यादा इसीलिए बनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको हम कैसे बनाएं। ऐसा नहीं, इतने सीरियस भी नहीं, इतने सीरियस होते तो फिर क्या बात थी। पति पत्नी पे ज़्यादा जोक के नाम पे वो बोल देते हैं, शायद कानों तक पहुंच जाए।
है ना, मेरे को लगता है कि शायद ये कारण इतने गहरे नहीं है। मेरे को लगता है कि गहरा कारण ये है कि पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम बहुत गहरे में जीना चाहते हैं और बहुत तृप्ति चाहते हैं, बहुत एक दूसरे के होके जीना चाहते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, बहुत उस संबंध को उसकी अंतिम सीमा तक जी के देखना चाहते हैं। मतलब वहां से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और जहां हमारी सबसे ज्यादा अपेक्षाएं, जैसे जिंदगी में हम दुखों को याद क्यों रखते हैं? जब जब हमने दुख पाया, या तो हमको वो क्षण याद रहते हैं जहां हमने सुख पाया, या हमको वो याद रहते हैं जहां हमने दुख पाया। तुम दुखों को याद क्यों रखना चाहते हैं जबकि दुखों को तो हम भूलना चाहते हैं, फिर भी दुख वाले क्षण हमको याद क्यों रह जाते हैं? तो दुख वाले क्षण भी इस अर्थ में याद रहते हैं कि वहां से अपेक्षा तो बहुत सुख की थी, जहां से सुख की अपेक्षा थी वहां से सुख नहीं मिल पाया, इसलिए वो मेमोरी में बना हुआ है। तो बेसिकली हर जगह मैं याद तो सुख को ही रखता हूं, तो मैं सुखी होना चाहता हूं, और जहां मेरी सबसे अधिक सुख पाने की कामना है उसका नाम पति पत्नी रिलेशन है, जहां फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कोई जगह ऐसी नहीं है जो इस रिश्ते में बाकी बचती हो। तो ये रिश्ता ऐसा है, बाकी रिश्ते ऐसे हैं किसी समय तक माँ बाप साथ चलेंगे छूट जाएंगे, किसी समय तक भाई बहन साथ चलेंगे छूट जाएंगे, किसी समय तक बच्चे साथ चलेंगे छूट जाएंगे, लेकिन पति पत्नी संबंध एक ऐसा संबंध है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली 100% और दो लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अंतिम सांस तक साथ साथ चल पाएंगे। उसकी फिजिकली भौतिक रूप में भी ऐसी स्थिति है और भावनात्मक रूप में भी वैसी अपेक्षा है। तो जहां सुख की बहुत गहरी अपेक्षा है वहां से सुख नहीं मिला है तो लगातार टीसता है, लगातार याद आता है, लगातार ध्यान में बना रहता है, और उसी के लिए फिर तमाम जोक्स और तमाम ये सब चीज़ें भी हमको बहुत प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि कोई भी जोक हमसे भी जो आपने कहा था रिलेटेबल है, हम उसको रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है। तो शायद इस संबंध की गहराई को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी शादी हो रही है वो भी मानव है और जिससे हो रही है वो भी मानव है। तो पहले हमको अपना मानव होना समझ में आ जाए, तो शादी होना समझ में आ जाए, तो उसकी गहराई पकड़ में आ जाए, तो धीरे धीरे हम मानव को समझते हुए शादी को समझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे चले, हाँ जी, तो कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे हम? हाँ, मानना, मानना शिफ्ट हो जाए, कहीं और थे? नहीं थे ना? तो तुम्हारे क्वेश्चन का तो आंसर इतना ही है कि हम लोगों की जब शादियां हो रही थी तो काफी चीजें फिक्स थी, तो लड़की इस माइंडसेट से शादी करती थी कि मेरे को दूसरे परिवार में जाके अपनी जगह बनानी है और उसको सफल करना ही है, चाहे झेलना कुछ भी पड़े। तो मानसिक तैयारी बहुत बड़ी थी, जैसे फौज में लड़ने वाले आदमी को हर आदमी जॉब के लिए जाता है, लेकिन फाइनली उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो विवाह के लिए कंडीशन ऐसी थी कि एक लड़की को ये मानसिक रूप से स्वीक, जबकि उस समय की अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एक लड़की अपने आप को उसके लिए तैयार करती ही थी कि उसके घर में जो भी वातावरण था, आस पड़ोस का जो वातावरण था, सब मिला के कि उसको एक दिन बना पराई, क्या पराया धन है ना। बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग है और घर में चर्चा होती है, समाज में हो रही है, तो धीरे धीरे उसका मन तैयार हो रहा है और वो दूसरे परिवार में जाके तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ स्ट्रगल वो टिकेगी और उसमें अपने आप को सफल करेगी और उसको झेल लेगी। आस्था का एक ऐसा वातावरण बना हुआ था। दूसरा, अभी की जो सारी स्थितियां हैं उसमें लॉजिक आया, एजुकेशन आई, जॉब आई, तो तमाम तरह की परिस्थितियां बदल गई। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में अब कोई झेलने के लिए तैयार नहीं, और यदि मानसिक रूप से देखेंगे तो दोनों ही पति हो गए, इसमें गलती नहीं है, और पुरानी कंडीशनिंग भी शामिल है,
तो पुरानी कंडीशनिंग भी चालू है, इधर ये नया लॉजिक भी आ गया है, अब इसमें मिसमैच हो गया है कि कहाँ जाके चीज़ें सेटल होंगी। तो मेरे को लगता है कुछ ख़राब हो गया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक ट्रांजिशन का दौर है, ट्रांजिशन का दौर है जब हम मान्यताओं के पुराने एक सेट स्ट्रक्चर से निकल के एक नए स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं, और बीच में एक दौर है जब पुराना मॉडल भी चल रहा है, नया मॉडल भी चल रहा है, और अपने अपने तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। इसलिए एक अनिश्चितता थोड़ी दिखाई देती है, मेरे को लगता है कि हो सकता है आने वाले, हम तो बहुत सारे पेयर्स को देख रहे हैं, हमारे घर में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, जिन लोग थोड़ी इस रिश्ते को, इस रिश्ते की गहराई को समझ के शादी की तरफ जा रहे हैं, वाकई में दो दोस्त कैसे हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए कंपेटिबिलिटी क्या हो सकती है, और यदि पति पत्नी दो दोस्त हो गए तो इससे बढ़िया कोई दुनिया नहीं हो सकती। यदि ये दो पति पत्नी आपस में दो अच्छे दोस्त हो पाए और दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हो पाए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो पाए, तो इससे सुंदर कोई दुनिया नहीं, इससे सुंदर कोई साथ नहीं हो सकता है जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, और बहुत बड़ी सपोर्ट दोनों के लिए। इसको समझने की जरूरत तो है, धीरे धीरे इसको भी कारण शिफ्ट होने का कि जो हम ये हमारा रिश्ते का जो मूल्यांकन करते हैं, या तो मानव का मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकन करने की जो वजह है वो अब सिर्फ पैसा और भौतिक सुख रह गई है, नहीं कि सहनशीलता, नहीं कि उदारता, नहीं कि खान, तो ये भी एक कारण हो सकता है सर। ये तो मम्मी को लेके नहीं जाता हूँ ना, पापा चलो मेरी कंपनी में बन नहीं रही है ना, आप साथ चलो, ऐसे मैं नहीं करता। तो आपने कंपनी ज्वाइन किया है तो मेरे परिवार के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे चलेंगे, ये आपका काम है, मैं उसमें बीच में नहीं। मेरी उस समय का जो माइंडसेट था, वो रिलेशन आपको देखना है, मैं इस बारे में कहीं शामिल नहीं हूँ। हाँ, कोई बात बिल्कुल सर से ऊपर जाएगी तो अलग बात है, रोज़मर्रा में मैं उसमें बीच में नहीं हूँ, उस रिलेशन को निभाना आपकी जिम्मेदारी है, आप इस परिवार में आए हो, है ना। तो एक एक अपना जो एक स्टैंड होता है, या अपनी जो, मैंने कह रहा कि मैं सही था कि गलत था, लेकिन अल्टीमेटली वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बात अलग है कि मेरी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर थी जितना मैंने सोचा, है ना, और उसने जिस तरह से निभा लिया, उसने मेरी गलतियों को भी छुपा दिया, या मैंने जो ज़िंदगी में उल्टा सीधा किया तमाम, है ना, वो उस सबको भी बचा के और पूरे परिवार में बहुत एक अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन इसका मतलब ये है कि शादी नाम की चीज़ का अब हम आस्था से बाहर निकल आए और समझ के किसी धरातल तक पहुँचे नहीं। तो मेरे को लगता है कि अब शादियां सफल होंगी तो बहुत वो क्लैरिटी के साथ, शादी का पर्पस होगा, जिंदगी का मैं क्यों जी रहा हूँ, तो मेरे जीने का पर्पस, दूसरे के जीने का पर्पस, शादी का पर्पस, बच्चे का पर्पस, जॉब का पर्पस। तो जब तक सारे पर्पस की क्लैरिटी नहीं है तब तक अब शादियां सफल करना मुश्किल होगा। अब शादी सफल होगी और ये ठीक दिशा में जा रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, मैं बहुत आशान्वित हूँ। और एक कंटेंट भी कम से कम हमारे पास, हम सबके पास उपलब्ध हो गया है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी का आईना देख सकते हैं, चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं और संवाद पूर्वक चल सकते हैं, समानता के साथ चल सकते हैं, समानता की अपेक्षा वही है। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, कहाँ पहुँच गए थे, मानना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मानना हमारा कंडीशनल है, अभी हमारी मान्यता, अभी हमारा माइंडसेट कंडीशनड माइंडसेट है ना, कि नहीं धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, अपने अपने खुद की संस्कार के आधार पे हमारी एक कंडीशनिंग है। जैसे मेरी कंडीशनिंग है, जैसा मैं मानता हूँ वैसा दूसरे को चलाना चाहता हूँ, जिसको मैं ठीक, ना पति की चलेगी, ना टीचर की चलेगी, ना बॉस की चलेगी, अब किसी की नहीं चलेगी, कोई किसी की मानने के लिए अब तैयार नहीं है, अब किसकी चलेगी, अब किसकी चलेगी, हैं हैं, जोर से बोलो, खुद की चलेगी, खुद की तो अब कहाँ चलेगी, खुद की तो अब तक चला ही देते, कहाँ चलेगी, बस अब किसी की नहीं चलेगी, अब केवल नियम की चलेगी, अब किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलेगी, अब केवल एक की चलेगी, जो सबके लिए सुखद है, जो सबके लिए सही है ना, तो जो सबके लिए सही है अब उसी की चलेगी, अब और किसी की नहीं चलेगी, अब कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है,
हाँ, कोई चीज ऐसी है जो हम सबके लिए समान रूप से सुखदाई है तो उसी के साथ हम चल सकते हैं। तो इतनी चर्चा के बाद हम यहाँ पहुंचे कि बेसिकली अब हम बात कर सकते हैं कि मानव तो व्यवस्था तो हमने कहाँ तक पहचान लिया? हमने पहचान लिया कि सुख क्या है, व्यवस्था को समझना, समझ में आता है तो उसका प्रमाण है कि हम जी पाते हैं, और जीना हुआ है तो इसका प्रमाण है कि हम दूसरों के समझने में सहयोगी हो पाते हैं। हम किसी को समझा दें ये संभव नहीं है, दूसरा समझना चाहता है तो हम सहयोगी हो सकते हैं, दूसरा नहीं समझना चाहता है तो कैसे समझना चाहेगा उसके लिए भी कोई प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जब भी एक व्यक्ति समझने के लिए तैयार होता है तो ही उसके साथ समझने का काम हो सकता है। तो व्यवस्था को समझना समझने का प्रमाण है कि जी पाना, जीने का प्रमाण है, इसी का नाम है समाधान बराबर, इसी का नाम है समाधान। तो समाधान जिंदगी के सभी आयामों में प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन का नाम है। तो अब मेरे सुखी होने के लिए मेरा सिलेबस क्या होगा, मेरे सुखी होने के लिए मुझको क्या क्या समझना होगा? नियम को समझना होगा, कहाँ कहाँ समझना होगा, किसका नियम समझना होगा, सबसे ज्यादा दुख कहाँ से आ रहा है हमारी जिंदगी में, खुद से। तो सबसे पहले मुझको मानव में व्यवस्था को समझना होगा, मानव में व्यवस्था को समझना और आगे जीना समझना। मानव में व्यवस्था समझ में आएगी तो परिवार की इकाई मानव है, तब परिवार समझ में आएगा और तब पति पत्नी रिलेशन पकड़ में आएगा, है ना? मैं पहले अपने वजूद को समझूं, अपने एक्सिस्टेंस को समझूं, अपने अस्तित्व को समझूं, अपने होने को समझूं, मेरा होना मुझको समझ में आ जाए तो फिर दूसरे मानव का भी होना समझ में आ जाए तो रिलेशन पकड़ में आ जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव में व्यवस्था को समझना हम चाहते हैं, मानव में व्यवस्था को समझना चाहते हैं, मानव में समझ में आ गया तो परिवार में व्यवस्था को समझेंगे, परिवार का समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है तो परिवार को समाज को समझेंगे तो नेचर को समझेंगे। तो मानव, परिवार, समाज और नेचर, चार ही जगह हर मानव का जीना होता है। एक मानव के रूप में हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं तो नेचर के कारण, ठीक है, किसी परिवार में हम जन्म लेते ही हैं और परिवारों के समूह के बीच में हम रहते ही हैं। कल को हमारे बच्चे की शादी होगी तो लड़की कहाँ से आएगी, समाज से आएगी, है ना? कल को हमारी बेटी भी जाएगी तो कहाँ जाएगी, समाज में जाएगी। तो फाइनली समाज हम सबका आंगन है ना? इस आंगन रूपी समाज, तो व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और नेचर के रूप में, ये चार ही आयाम सभी के जीने के हैं। थोड़ी सी बात करके आज की चर्चा को पूरी करते हैं, फिर और बात करेंगे। तो देखिए कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे, कौन बताएगा लिंक, लिंक कौन बताएगा कहाँ से चले थे कहाँ पहुंचे और उसके रीजंस हमने एक्सप्लोर किए थे। सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था, देन हमने आगे इस चीज को एक्सप्लोर किया कि उन इनसिक्योरिटीज का रीजन या फिर उसको लेकर डिस्कशन का कारण क्या है। उसको उस डिस्कशन का कारण ये था कि दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल रीजन नहीं है इस चीज को करने का, बट हमारे इंडिविजुअल रीजंस हैं और या फिर लॉज ऑफ नेचर है। थोड़ा माइक दूर कर। और दूसरी चीज के हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज शायद इसलिए हैं बिकॉज हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिफ्लेक्ट होती है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। अदरवाइज हम सोसाइटी में किसी से 10 मिनट मिल रहे हैं, आधा घंटा, एक घंटा मिल रहे हैं, एक दिन में मिल रहे हैं तो हम वो मास्क लगा सकते हैं, बट हम किसी के साथ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप में हैं तो वो हमारी सिक्योरिटीज निकल के आती हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें प्रॉब्लम सिर्फ तब है, कोई हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो इवेंट्स हैं, घटनाएँ हैं, अगर उन घटनाओं का सोल्यूशन हमारे पास है तो हम उसको लेकर सुखी होते हैं, और उन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता तो हम उन चीज़ों को लेकर दुखी होते हैं।
इन द एंड इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, कि हमें उस घटना की या उस इवेंट की क्लैरिटी कितनी है या हमारे पास सोल्यूशन कितना है, दैट लीड्स टू हमारा उस चीज़ को लेकर इमोशन क्या है, सुख का इमोशन है या दुख का इमोशन है। फिर हमने बात करी थी कि एक दुनिया में जब एक बच्चा आता है तो वो क्यूरियस होता है, उसको जस्टिस चाहिए, उसको वो ऑनेस्ट होता है, बट 20 साल 25 साल में हमारा सोसाइटी, हमारा फैमिली ये मिलजुल कर उसे कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करने की कोशिश करता है कि मनी सब कुछ है, हमें अपने कंफर्ट जोन को नहीं करना शिफ्ट, तो उसके पीछे कारण क्या है। और जब हम उन रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं तो वो रिलेशनशिप एक तरीके से टॉक्सिक बन जाता है। और फिर हमने बात करी थी कि लिविंग और जीना और जिंदा रहना का डिफरेंस, उसकी बात देखिए। अभी तक हमने जितनी चर्चा की है उसमें हमने ये पाया कि आदमी मूलतः सुखी होना चाहता है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो अच्छा करे बुरा करे किसी सुख की तलाश में ही करता है। दूसरा हमने ये भी पाया कि जब भी मुझको ये पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है, अभी किसी और को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, केवल मुझको पता चला है कि मुझसे गलती हुई है, ये मुझको स्वीकार होता है, ये मेरे को सुखद लगता है कि दुखद लगता है, कैसा लगता है, दुखद लगता है। इससे एक बात का कंक्लूजन हमारे पास आता है कि हर गलती का रिजल्ट दुख के रूप में हमको महसूस होता है, किसी को पता चले ना पता चले। तो क्या हम यहां ये कह सकते हैं कि धरती का कोई भी मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, कह सकते हैं इस बात, है ना? दुनिया का कोई भी मानव जो आज संसार में कितने ही बुरे से बुरे नाम से जाना जाता है, वो किसी माँ से ही पैदा होता है, और जब वो किसी माँ से पैदा होता है तो जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, वो मूलतः सुखी होना ही चाहता है, सुख की निरंतरता ही चाहता है। और जब भी कभी मुझको अपने भीतर अपने अधूरेपन का एहसास होता है, अपने भीतर किसी गलती का एहसास होता है, ये मेरे लिए सुखद इमोशन नहीं है। इसलिए कोई भी मानव अधूरेपन के साथ जीना नहीं चाहता है, गलती के साथ जीना नहीं चाहता है, गलती करना नहीं चाहता है, ऐसा स्वीकारा जाए, है ना? तो एक कंक्लूजन आया कि धरती पे हर मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, यहाँ तक ठीक है? लेकिन गलती करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, करता है, क्यों करता है? तो कहा कि वो सुखी होना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सफल होने के लिए कोई गलती करना आवश्यक है, या गलती किए बिना वो सफल नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, है ना? क्योंकि सुख को वो टाल नहीं सकता है, सफलता को वो टालना नहीं चाहता है, इसलिए वो कोई ना कोई गलती कर देता है, यहाँ तक ठीक है ना? मैंने तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और आर्ट्स कॉलेजेस में सर्वे करके देखे हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सर्वे ये कहते हैं कि 95% लड़के ये कहते हैं कि सर सफल होना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी गलती करना पड़ेगा चले। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही गर्ल्स ये बोलती हैं सर छोटी गलती करना चाहेंगे, बड़ी गलती करना नहीं चाहेंगे। आर्ट्स वाले कॉलेज में 65% लोग ऐसा बोलते हैं कि सफल होना चाहेंगे, उसके लिए कोई भी गलती करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रतिभाशाली वर्ग की तरफ जाते हैं, उसके लिए असफलता को नकारना, असफलता को स्वीकार करना, जिंदगी को ही अस्वीकार करना, तो वो किसी भी कीमत पे सफलता पाना ही चाहता है। इसलिए गलती करने की कोई भी संकोच भी होगा, किसी भी कीमत पे गलती करना स्वीकार हो जाता है। तो मूल बात क्या निकली कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, नंबर एक, लेकिन गलती करता है, क्यों करता है? तो वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए गलती करना आवश्यक है, या कभी कभी वो तो अपने सुखी होने का, सफल होने का प्रयास करता है और जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। इसका मतलब है, इसको उल्टा करके देखा जाए
तो क्या लगता है, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, सभी मानव सफल होना चाहते हैं कि कुछ लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। अभी वर्तमान में सफलता का डिजाइन सभी लोगों के लिए है कि कुछ ही लोगों के लिए है? कुछ ही लोगों के लिए है। IIT कितने जाएंगे? 4-6 हज़ार। IAS कितने बनेंगे? हर साल 100, है ना? तो लगभग लगभग पूरे देश में जिसको सफलता के नाम से जाना जाता है वो तो गिनती के, गवर्नमेंट जॉब कितने लोग को मिलेगी? 2%। कॉर्पोरेट जॉब कितने लोग को मिलेगी? 12%। बाकी 85% कोई अपने ही अपने मेहनत से कोई अपना काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में सफलता के मापदंड सभी के लिए हैं भी नहीं, जबकि सफल सभी सफल होना ही चाहते हैं। वर्तमान जीवन शैली में सभी की आवश्यकता पूरी हो सकती है? हमने तो कहा ही है कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित हैं, है ना? ऐसा हम पढ़ाते ही हैं, इसलिए सभी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमको दिखता है कि पूरा गेम फंसा हुआ है ना, इसमें रास्ता निकलना आसान नहीं है। लेकिन यदि कल्पना करें कि यदि सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी मानव सफल हो सकते हैं, सभी मानव सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई मानव गलती करना चाहेगा? तो इससे ये समझ में आया कि मानव यदि कोई भी गलती करता है वो किसी सुख के दबाव में करता है, वो किसी सफलता के दबाव में करता है, तो क्या कोई ऐसा व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध है जिसमें सभी मानव सुखी हो सकते हैं, सभी मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और सभी मानव सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा डिजाइन संभव है? क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, ऐसा डिजाइन संभव हो सकता है? प्रैक्टिकली सोच के बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? है? सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हाथ उठाओ, अरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसा माइक से बोलो। अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता तो हम भागते क्यों सुख के पीछे? हाँ, सुख के पीछे क्यों भागते, सफलता के पीछे? हर आदमी सुख के पीछे भाग रहा है, हर आदमी सफलता के पीछे भाग रहा है, हर आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाग रहा है, और ये नहीं हो सकता है। यदि ये नहीं हो सकता है तो ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण सिद्ध होती है कि अपूर्ण सिद्ध होती है? अपूर्ण। जबकि हमारी आस्था क्या है? पूर्ण। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, इसका मतलब ऐसा संभव है। तो कल शाम सूरज छिपने के पहले हम ऐसी व्यवस्था का दर्शन करेंगे जिसमें सभी सुखी हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और सभी सफल हो सकते हैं और हर पति पत्नी बहुत सुखपूर्वक जी सकते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ में डूब के जी सकते हैं और खुश हो सकते हैं। ठीक, कल शाम सूरज छिपने के पहले।